हेलो टी स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल प्राचा केमिस्ट्री क्लासेस स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम जो कि आपके नीट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन सारे ही एम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आप इसमें से प्लीज़ कोई सा भी क्वेश्चन स्किप ना करें बहुत स्टडीज और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मैं आपके लिए ये एम लेकर आई हूँ ये सारे एम सी क्यूज प्रीवियस ईयस में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बताना है इसमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वन ग्राम ऑफ वाटर ऑप्शन बी एटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑप्शन सी एटीन ग्राम ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी इज एटीन मोल्स ऑफ वाटर सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एटीन मोल्स ऑफ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन आपको पता ना है सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन किस में पॉसिबल है ऑप्शन है कैनिजारो रिएक्शन ऑप्शन बी फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन ऑप्शन सी क्लेमेंसन रिडक्शन या ऑप्शन डी रिमर टीमन रिएक्शन तो आंसर इसमें होगा बी एंड डी ये दोनों ही आंसर इसमें राइट होंगे देखिए स्टूडेंट्स एग्जामिनर ना कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सी सी बॉन्ड फॉर्मेशन किस में पॉसिबल होगा तो राइट आंसर इज B and D. Next question, question number नंबर The formation of cyanohydrin from a ketone is an example of. आपको बताना है कीटोन से साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन किसका एग्जाम्पल है ऑप्शन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन या फिर ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद कंसेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनटेड एच टू एस ए फोर टू गिव आपको बताना है कि इन दोनों में कंसनटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनटेड एच टू एस ए फोर के रिएक्ट करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन है ऑप्शन ए एम नाइट्रोबेंजोइक ऑप्शन बी इज ओ नाइट्रोबेंजोइक एसिड या ऑप्शन सी पी नाइट्रोबेंजोक एसिड या फिर ऑप्शन डी ओ एंड पी डाई नाइट्रोबेंजोक एसिड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम नाइट्रो बंजोक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्लोरामाइन टी इज एन आपको बताना है क्लोरामाइन टी क्या है ऑप्शन हैं एन ऑप्शन ए एनर्जेस्टिक ऑप्शन बी डिसटेंट ऑप्शन सी इज एंटीसेप्टिक या ऑप्शन डी एंटीपायरिटिक तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिसफेक्टेंट क्लोरामाइन टी इज डिस इनफेक्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स डिटर्जेंट्स आर प्रपेर्ड बाय द एक्शन ऑफ एस टू एस ओ फोर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैं ऑप्शन ए साइक्लोहेक्सिनल ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन सी लॉरियल एल्कोहल एंड ऑप्शन डी इज़ पी नाइट्रोफिनॉल आपको बताना है इनमें से जो डिटर्जेंट्स जो प्रिपेयर किया जाता है वो इसमें से किसका किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है डिटर्जेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर होता है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉरियल एल्कोहल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ आपको बताना है गन मेटल किसका एलॉय है ऑप्शंस है कॉपर जिंक एंड एस एन या ऑप्शन बी कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑप्शन सी कॉपर जिंक एंड निकिल या ऑप्शन डी कॉपर एंड एसन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर जिंक एंड एस एन मीन्स गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच वन हैज़ पैरामिडल शेप आपको बताना है इसमें से किसकी पिरामिडल शेप होगी ऑप्शन है पी सी एल थ्री ऑप्शन बी एस ओ थ्री ऑप्शन डी सी ओ थ्री एंड ऑप्शन डी इज एन ओ थ्री राइट आंसर है ऑप्शन ए पी सी एल थ्री पी सी एल थ्री की पिरािडल शेप होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसका बताना है आपको इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म होगा ऑप्शन है ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऑप्शन बी लिंकेज आइसोमेरिज्म या ऑप्शन सी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्शन डी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैरिज राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स एसोमेरिज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप फ्यू सेकंड्स में कैसे एसोमेरिज फाइंड कर सकते हैं आप वो वीडियो देखें वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एक कंपाउंड हैविंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ वन डिग्री इज आपको बताना है इनसे किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल वन डिग्री होगा ऑप्शन है सैक्लो एल्केन ऑप्शन बी एल्केन ऑप्शन सी इज़ एल्काइन, या ऑप्शन डी एल्केन तो राइट आंसर होगा इसका एल्काइन एल्काइन का एंगल होता है वन एट्टी डिग्री स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको एग्जाम सपोर्टिव लगी होगी आई होप स्टूडेंट्स आपने ये एम नोट भी कर लिए होंगे वीडियो पसंद आई हो सपोर्टिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें